शख्स, आपको पता है कि आपकी गाड़ी को रोज कौन चमकाता है? हाँ, मुझे पता है। ये कपड़ा, बेचारा ये कपड़ा, इसके साथ हम ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे इसका कोई इंटरोगेशन चल रहा हो। इसे हम डुबोते हैं, निचोड़ते हैं, मारते हैं, पटकते हैं। अगर आज ये जिंदा होता ना तो चल ही बसता। सच बात तो ये है, चाहे आपकी लग्जरी कार हो या मेरी बजट कार हो, एट द एंड यही गंदे कपड़े से धोई जाएगी। पूरा एक ऐसा ऐप है जहाँ आप घर बैठे बैठे हमारे ट्रेन पार्टनर्स के थ्रू एक कार वॉशिंग सेंटर एक्सपीरियंस पा सकते हैं और कम पानी में आपको कहीं भी और कभी भी ये सर्विस दे सकते हैं। आज भारत में लगभग 15,000 कार वॉशिंग सेंटर्स हो गए हैं जो हर दिन 1 करोड़ लीटर से भी ज्यादा का वाटर वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हूरा अपनी सर्विसेज में 5 गुना कम पानी यूज करता है, जिसके वजह से पिछले 1 साल में हमने 15 लाख लीटर से भी ज्यादा का वाटर सेव कर लिया है। आज हूरा इंडिया का नंबर 1 डोर स्टेप कार वॉश एंड बाइक केयर ऐप है, जिसके 1 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड हो गए। हमारा विजन है कि हम ऑटो केयर को सबके लिए एक्सेसिबल एंड इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। अभी आप मुंबई में बेस्ड हैं कि नागपुर में? मैं मुंबई में हूँ। अच्छा, आप नागपुर, आप मुंबई में। एंड आवर होल हेड ऑफिस इज इन नागपुर। क्यों भाई? बिल्डिंग द ऐप तो वो रिमोटली हो जाता है, बट एवरी मंथ आई एम इन नागपुर। मेरा और समीर का भी सेम है, वो बॉम्बे में बेस्ट है, मैं दिल्ली में बेस्ट हूँ। और कंपनी हमने 6 साल पहले स्टार्ट की थी, हमसे भी पूछते थे लोग अलग क्यों रहते हो, काम हो जाता है, अच्छी कंपनी बना ली 6 साल। शख्स, ये हमारा प्रोप्राइटरी बैकपैक है, इसमें पूरा का पूरा कार वॉशिंग सेंटर है। ये एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है जो नॉर्मल क्लीनिंग से लेके डीप क्लीनिंग सारे आपके घर पे कर सकता है। और हमारा ये जो प्रेशर वॉशर है, इसको हमने ही डिजाइन किया है। और ये है हूरा का पावर सोर्स, ये भी हमने बनाया है। हूरा जो है आपके डोर स्टेप में आपको अंडरबॉडी क्लीनिंग दे देता है, ये 90° लेंस के थ्रू। ये सारा इक्विपमेंट खुद बनाया अपन ने? हाँ, ये पूरा का पूरा इक्विपमेंट हमने बनाया और इसमें हमने पेटेंट भी डाला है। बहुत बढ़िया। हेमंत, उसको अंडरबॉडी कर दो 90°। ये हमारी पूरी सर्विसेज विद इन 60 मिनट्स हो जाती है और जो डीप क्लीनिंग है वो विद इन 3 आवर्स हो जाती है। आई थिंक ये हो गया हेमंत भाई। अभी ये शैम्पू SOP होगी, उसके बाद ये फुल प्रेशर क्लीन होगा। यशवंत, जब मैं उतर रहा था, मैंने सोचा ये गाड़ी धोने का बिजनेस है, मैं क्यों इंटरेस्ट होऊंगा, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। सो फर्स्ट थिंग, गुड जॉब। थैंक यू। सेकंड थिंग, आपने ये वैल्यूएशन लगाई है अपनी कंपनी की 40 करोड़। या इसका कोई बेसिस है? यस। तो सबसे पहले हमने एक आइडिया स्टेज पे एक 5 लाख का स्मॉल चेक लिया था April 2022 में। हमने October 2022 में 14 लाख का वापस 3 एंजल से छोटा चेक लिया था, जिससे हमने हमारी R&D प्रोटोटाइप किट का वैल्यूएशन भी बता दो। वैल्यूएशन 5। मोस्ट रिसेंट March 2023 में वापस 5 CR पे और बंच ऑफ एंजल से 47.5 लाख का फंड रेज किया था। तो मोस्ट रिसेंट राउंड 5 CR पे था, 47.5 इनफ्लो। 5 CR से 40 करोड़, 6 महीने में वो भी? तो उस टाइम हमारा मंथली रेवेन्यू 8 लाख हो रहा था, अभी हम 31 लाख मंथली कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड, नॉट बैड। हमारा बिजनेस हर क्वार्टर 100% ग्रो कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यू आर ग्रोइंग 100%। Q1 इस साल हमने 40 लाख का रेवेन्यू किया था, ये क्वार्टर हम 90 लाख के ऊपर क्लोज करेंगे। मैंने क्या देखा ना, आपने जो वाटर सेविंग की बात की ना, आपकी आंखों में चमक आ गई। यू सीम टू बी पैशनेट अबाउट द एनवायरनमेंट और आपने वो टैलेंट है। व्हाई डोंट यू यूज दैट टैलेंट टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम? क्लीन एनर्जी इज अ मैसिव प्रॉब्लम। हमारे देश में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा आप जैसे लोग क्लीन एनर्जी में कर काम करें। माय एडवाइस टू यू इज टू रीडायरेक्ट योरसेल्फ, डोंट गो डाउन डीपर ऑन दिस एंड फाइंड दैट एवेन्यू दैट यू कैन बी मोर पैशनेट अबाउट। ओके, गुड लक, आई एम आउट। देखो यार, फाउंडर सॉलिड हो तुम लोग, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट और मॉडल अभी डिफाइंड नहीं है। मैं ये रिस्क लेने को अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं पैसे बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, तो इस रीजन से मैं आउट हूं, बट कीप कंटिन्यू डूइंग दिस। मैं बिल्कुल बहुत कीन आया था कि यहाँ पर मेरे को करना चाहिए, क्योंकि मेरे तो बहुत रिलेटेड कैटेगरी है, इतनी सारे कार ओनर्स का डेटा है मेरे पास, आई कैन राइड ओवर इट। मैं तो उसी बिल्कुल उस जोन में आया था, पर बिजनेस माइंडसेट समझ में नहीं आया मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी कहीं पर। और अगर मैं आऊंगा तो मैं बोलूंगा यार मेरे को फिर कंपनी खुद ही चलानी पड़ेगी, फिर अगर खुद ही चलानी पड़ेगी तो मैं मेजोरिटी लेने की कोशिश करूँगा। आज मैं बाहर होना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को ना डिस्ट्रीब्यूशन का माइंडसेट दिख रहा है कि इसके अंदर कैसे करना है, ना रिटेंशन का माइंडसेट दिख रहा है, जो कि थोड़ा टेक्नोलॉजी माइंडसेट है कि एक बंदे को ला के रोक के 4 चीज़ें कहते बेचनी, ये बिजनेस उसका है। कार वॉशिंग में 400 रुपये में घर जाके पैसा बनाना नामुमकिन। दैट्स माई फाइनल टिक।
गुड लक गाइस, पिवट एंड रीफोकस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक, बाय, थैंक यू, गुड लक। हेलो साक्स, हेलो, आपने किसी फिल्म में हीरो की एंट्री देखी है, वो हमेशा स्वैग के साथ एक लग्जरी गाड़ी से निकलता है और सब उसको देखते रह जाते हैं, यह देखकर सबका मन होता है कि मैं भी एक लग्जरी गाड़ी से निकलूं और लोग मुझे देखते रह जाएं। और आज सोशल मीडिया का जमाना है और सबको हीरो बनना है। अगर आप किसी से भी पूछो कि आपकी ड्रीम कार क्या है तो सब बोलेंगे मर्सिडीज, BMW, महिंद्रा थार, फॉर्चुनर, लैम्बोर्गिनी, बट वो अफोर्ड कर पाते हैं एक बेसिक कार। That's right. अगर कुछ लोग हैं जो अफोर्ड लग्जरी कार भी कर पाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है कि उस गाड़ी को वो फुल्ली यूटिलाइज कर पाए। एंड रेंटल कार की ऑप्शंस को देखें तो रेंटल कार इंडिया में काफी महंगे हैं और क्वालिटी भी काफी पुअर है। इन तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है प्रोराटा। प्रोराटा दुनिया का पहला फ्रैक्शनल कार ओनरशिप प्लेटफॉर्म है जहाँ आप 8.33% पर अपनी ड्रीम कार को कोऑन कर सकते हैं। प्रोराटा ऐप का एल्गोरिदम आपको अपने एरिया के लोगों के साथ कनेक्ट करता है जिनका मैचिंग इंटरेस्ट हो आपकी ड्रीम कार में, और हम फिर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में आप अपने हिस्से का पेमेंट करके उस ब्रांड न्यू गाड़ी के को ओनर बन सकते हैं। वो क्यों लग रहा है कि ये चलेगा? आज भारत में 25 करोड़ हाउस होल्ड है। okay. उसका 8% यानी कि 2 करोड़ हाउस होल्ड के पास आज खुद की गाड़ी है, बट उसका 95% जो है वो 10 लाख के कम की है। और आप उन सबसे पूछो, सबकी ड्रीम कार एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट ऑफ रोड कार है, वो 20 लाख से अबव है। तो मार्केट है ये पता चल गया मेरे को, एस्पिरेशन है, डिमांड है ये पता चल गया, एंड सप्लाई भी है क्योंकि 20 लाख से 4 करोड़ तक आज बहुत सारे ऑप्शन है जो 10 साल पहले नहीं थे। That's right. तो डिमांड भी है, सप्लाई भी है, प्लेटफॉर्म की नीड है। यहाँ पे फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको ROI नहीं देता है बट आपको यूजेस देता है। और इंडिया एक अलग कंट्री है, US, यूरोप, चाइना में आप लीजिंग मॉडल सक्सेसफुल है, रेंटिंग मॉडल सक्सेसफुल है, बट इंडिया की प्रॉब्लम डिफरेंट है। यहाँ पे लग्जरी कार बहुत कॉस्टली है ड्यू टू हाई टैक्सेशन, सो यहाँ पे एक अलग इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन की जरूरत महसूस होती है। तो कस्टमर जब यहाँ हमारा लॉग इन करता है और साइन अप करता है तो यहाँ पे हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं, उनके डाउट्स हम क्लियर करते हैं FAQs के तरह। वो ब्राउज कार में जाता है और वहाँ पे मल्टीपल कार के अपने ड्रीम कार के ऑप्शंस को देखता है, उसकी टिकट प्राइस का कैलकुलेशन चेक करता है। फॉर एग्जांपल महिंद्रा थार का ये कार है, 18 लाख की महिंद्रा थार है। ओके, डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, 12 टिकट होती है जैसे साल में 12 महीने होते हैं। अच्छा, ओके, 1 टिकट इज इक्वल टू 8.33% शेयर ऑफ द LLP इन व्हिच कार इज रजिस्टर्ड, ओके, इक्वल टू 30 डेज ऑफ यूजेज क्रेडिट। ओके, 5 साल तक 150 दिन कस्टमर यूज करता है गाड़ी को। ओके, 5 साल बाद गाड़ी सेल होकर के रीसेल वैल्यू उसके हाथ में आ जाता है। 1.5 लाख उसने इन्वेस्ट किए और गाड़ी 150 दिन वो यूज करता है तो 1,000 रुपीज का उसके कॉस्ट आता है पर डे, 24 आवर ऑफ साइकिल पर ईयर। कुछ खर्चा नहीं, आप 1.5 लाख दे के शेयर खरीदते हो तो आपको आगे कुछ नहीं देना है। आपको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना है प्रोराटा का, वो है 15,000 रुपए, विच इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, कार पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, पीरियोडिक सर्विस एंड मेंटेनेंस, LLP मैनेजर। फिर वो इस गाड़ी को अगर अच्छी लगती है तो वो कम्युनिटी प्रोफाइल में ऐड कर देता है। यहाँ पर वो एक कम्युनिटी एक्सेस के लिए 99 रुपीज पेमेंट करता है। अच्छा, सो डेट हम एक फिल्ट्रेशन चाहते हैं कि वेरीफाइड कस्टमर आए और 10,000 लोगों ने 99 रुपीज पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी लास्ट 6-7 मंथ्स। और जो ऐप आपने दिखाया, आई थॉट उसमें बहुत बारीकी से आपने सोचा है, तो एक बिजनेस बनाया जा सकता है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अप्रॉक्सीमेटली आज आप बोल रहे हो आपका मेंटेनेंस बनता है 15,000 रुपया पर टिकट पर ईयर, इसमें आपका मार्जिन कितना बनेगा बन बन के? तो 15,000 × 12 180,000 हमारा ग्रोस रेवेन्यू है, 40,000 के आसपास हमारा कार पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस का कॉस्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी अराउंड 40,000 है, एंड पीरियोडिक सर्विस एंड मेंटेनेंस एंड LLP एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट लेकर के अराउंड 40,000। मैं काफी इंटरेस्टेड था अनुभव के साथ, अगर हम लोग दोनों 50-50 या 25-25 लाख रुपए लगाते 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, इससे ज्यादा नहीं, मैं सच्चे साथ कह रहे हैं, देन इट इज लाइक कि ठीक है यार, एक पंट ले लिया, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो देन द मनी इज गॉन। 10 करोड़ की वैल्यूएशन पर आप कंसीडर करेंगे? 5 करोड़, 50 लाख, 25 लाख इक्विटी, बाकी 50 लाख डेट, 14% इंटरेस्ट, बोलो। डन। Yes or no? Any counter possibility? No, no, no. Non-negotiable. So 10% is the deal? Yes. Okay. So deal pick is आपने जो
एलपी वाला दिमाग लगाया वो काबिले तारीफ है, पर बहुत मुश्किल है इस पे चलना। नहीं चलेगा, हमें कंज्यूमर माइंडसेट ही नहीं है इसके लिए। आई होप यू प्रूव अस रॉन्ग एंड नाउ यू हैव टू गुड पार्टनर्स। प्रूव अस रॉन्ग। यस, देखो यार, किसी ने नहीं सोचा था जो चल गई चीजें इंडिया में, मेरा तो ये मानना है। नमस्ते शाह, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं हूँ हाथ आधे, हम दोनों ईटानगर से एलन वर्जन्स के दो फाउंडर हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलन वर्जन्स के ओर से फ्यूल वी। फ्यूल वी इंडिया का पहला स्मार्ट फ्यूल कैप है, जो आपके टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स के फ्यूल कैप से मात्र 20 सेकेंड से भी कम समय में रिप्लेस हो जाता है, और इसमें पहले से ही एक फ्यूल मीटर लगा हुआ है। तो इसके फ्यूल मीटर और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके यूजर डबल चेक कर सकते हैं कि फ्यूलिंग के दौरान उन्हें उतना ही पेट्रोल मिला है जितना उन्हें मिलना चाहिए। चार्ज, हम हमारे प्रोटोटाइपिंग के लास्ट स्टेज पर हैं और मार्केट में आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हमारा विजन है कि अपने ऐसे ही इन्वेंशन से ऐसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके सॉल्व करें। और आप कैसे मिले तुम? मैं हूँ जो कंपनी शुरू किया था मैंने। जब कंपनी शुरू कर रहा था तो मैं अपना घर छोड़ा था। घर कब छोड़ा था आपने? 2 साल पहले। क्यों? मैं जो कॉलेज में पढ़ रहा था, इट वॉज काइंड ऑफ अ रेप्यूटेड कॉलेज नोटिस पे, सो मुझे भी पॉजिटिव था कि मेरा नौकरी हो जाएगा, पेरेंट्स को भी पॉजिटिव था, तो पेरेंट्स ने बोला कि नौकरी कर लो। पर बचपन से मैंने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश की है कि मुझे कुछ करना है करके, एंड आई हैव ट्राइड मेनी थिंग्स इन माय लाइफ। सो उस दौरान जब मेरा डिसाइडिंग फैक्टर आया फैमिली के साथ, देन आई हैड टू लीव माय होम। कॉलेज कंप्लीट कर लिया ना? ना ना, बिकॉज कॉलेज खत्म करता तो मैं नौकरी वाला चक्कर में घुस ही जाता, एंड माय फैमिली वुड पुश इट फुल। अच्छा, सो मैं वहां से निकल गया एंड देन आई केम इन देहरादून। मैं बचपन से, मेरे को इनोवेटिंग आता था, मैंने इससे छोड़ के भी कुछ इनोवेट भी किया है, उसमें मेरे को बिजनेस नहीं दिखा इसलिए मैंने उसे क्या क्या इनोवेट किया, जैसे कि एक सोप दो स्पाई करके एक बॉक्स था, वो एक व्हीकल कमर्शियल फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर के लिए ब्लैक बॉक्स था। और एक दूसरे से कैसे मिले फिर? सो मैं एक साल लगातार इस पे काम कर रहा था, एंड जैसे ही ये डेवलप हो रहा था, आई वॉज वर्किंग देयर इन इनोवेशन हब देहरादून। सो ही केम वन डे, और वही समय में हमें पता चला कि हम दोनों का इंटरेस्ट थोड़ा सा सेम है करके, लेकिन उसी समय में मैंने इसे ऑनबोर्ड नहीं किया। मैंने देखा कि क्या इसमें क्वालिटी है, क्या ये कुछ दिस द फैक्ट क्या इसमें क्वालिटी है, क्या ये कुछ फायदा ला सकता है, क्या ये इंटरेस्टेड भी है। देन धीरे धीरे हम फ्रेंड्स बने, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया तो इसने भी इंटरेस्ट दिखाया, इसने भी वर्कलोड डाला, फाइनेंशियल्स डाला, देन वी टुगेदर मेट दिस थिंग। हमारा जो ये वेरिएंट है फ्यूल वी एस वेरिएंट, फोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, ये गाड़ी या बाइक का फ्यूल कैप से रिप्लेस हो जाता है 20 सेकेंड से भी लेस टाइम। ये मान लीजिए कि ये कोई भी अमाउंट ऑफ पेट्रोल है जो आपको वहां से मिला है, पेट्रोल मैं यहाँ डाल लेता हूँ, अगर ये टेप को हटाया जाए देन यू सी ये अराउंड 400 ml समथिंग का है, और इसी रीडिंग को वैलिडेट करके फ्यूल भी दिखाएगा। ये जैसे कि फ्यूल का टैंक है, देन वी हैव टू स्क्रू इट लाइक अ नॉर्मल फ्यूल कैप। देन ये जो नोजल है, ये इसे फ्यूल का नोजल मान ली, ये 2.5 mm का डिस्टेंस में। उससे पहले हम ऐप से कनेक्ट कर लेते, बट दिस ऐप वेरिएंट इज इन डेवलपमेंट। अच्छा, अभी 00 आ रहा है, वहाँ भी 00 आ रहा है, तो अब मैं ये डाल के देखता हूँ। यू गाइस कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑन दैट टीवी, आ गया बिल्कुल, एकदम थोड़ा सा ज्यादा था तो थोड़ा सा ज्यादा है। एक बार आप मुझे स्कूटर में दिखाएंगे इस सेम इनलेट को लगा के? और ये अभी किसी और ने नहीं बनाया ना? नो सर, ये हमारे दो पिन टाइप है, ये दो पिन टाइप है, यू जस्ट हैव टू पुट इट लाइक दिस। तो ये कैप को रिप्लेस कर देता है? हाँ, टोटली। पर ये बैटरी चार्ज होना चाहिए बैंक का। हाँ, ये आराम से 12 दिन जैसे चल जाए। फैसिनेटिंग है, मतलब 24 साल में आपने ये सब किया और आप 18 साल, फैसिनेटिंग। बहुत बढ़िया लगा यार, वेरी गुड इनोवेशन। आप लोग थोड़े से ना अभी क्यूट टाइप के हो, राइट? आई थॉट एज मच। आई थिंक बहुत दुनिया देखनी बाकी है तुम लोगों को भी। एक सजेशन है कि आप कहीं और एक दो साल काम करो, थोड़ा सीखने को मिल जाएगा कि दुनिया कैसे चलती है। आई एम आउट।
जो आविष्कार आपने किया, अच्छी सोच, एक प्रॉब्लम को आपने ढूंढा जो एग्जिस्टिंग है और उस पर आप लग गए और उसका एक आपने निवारण भी किया, लेकिन ये डिफेंसिबल नहीं है। आगे जाके या तो गाड़ियां इसमें डाल देगी या पेट्रोल पंप ही ऐसे हो जाएंगे कि चीटिंग ही बंद हो जाएगी। ये सस्टेनेबल नहीं, राइट, एज अ बिजनेस। तो इस वजह से मैं आज इसके बाद